हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, गरीबी एवं बेरोजगार, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। पॉइंट वाइज देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपने मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी के अनुमान का आधार क्या है? परिवार का उपभोग भी है। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया? कैलोरी प्राप्ति से। दंडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। आय के वितरण की विषमता को माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? क्रमशः मैक्स ओ लॉरेंज वर्ष 1905 में तथा कोरेडो गिनी वर्ष 1912। अगला वर्ष 1989 में लकड़ा वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत गरीबी के माप के लिए। निर्धनता का दुष्चक्र विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रिगनर नकर्से द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में किससे इकाई माना जाता है? परिवार को। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MPI, जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया। बढ़ती समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी? आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। अगला पॉइंट है साथियों, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल जिसको बोलते हैं। अगला पॉइंट, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? वर्ष 1952 में। अत्यधिक कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? गरीबी, अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या को अनुमान का आकलन किया? 37.2%। गरीबी क्षमताओं के अभाव है, यह कथन किसका? प्रोफेसर अमर सेन का। भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित? आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री का आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? वर्ष 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता? सुरेंद्र कुमार डे, यानी भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास का। गरीबी के आकलन से संबंधित समिति है डॉक्टर बाई के अलग समिति, लकड़ा वाला समिति, सी रंग राजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स। भारत में गरीबी को उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों।